हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट क्लास रेप्टिलिया। तो सबसे पहले हमको इसका मतलब समझना चाहिए बच्चों कि रेप्टिलिया का मतलब क्या है। तो देखिए, एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, उसका नाम क्या है? रेप्टेयर। रेप्टेयर इज ए लैटिन वर्ड एंड रेप्टेयर मीन टू क्रीपिंग, टू क्रीपिंग। अब क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? दैट्स मीन दिस रेप्टाइल्स, लोकोमोशन ऑफ दिस रेप्टाइल्स इज टेक्स प्लेस बाय क्रीपिंग मेथड, क्रीपिंग मोड, राइट। मतलब छाती पे वजन डल के, छाती पे वेट डल के चलता है, इस तरह का। तो यहां पर ऐसे लिख सकते, दे आर क्रीपिंग एनिमल, राइट। एंड लोकोमोशन ऑफ देम इज टेक्स प्लेस बाई क्रीपिंग मोड, क्रीपिंग, CRPPING, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ये याद रखना। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? रेप्टिलिया, क्योंकि जो भी इसका एनिमल, ये छाती पे वजन डल के चलने वाला होता है। अब इसका एक एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एनिमल को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको देख के पहचानने का कोशिश कीजिए, ठीक। इसको पहचानने का कोशिश कीजिए। काफ़ी बार इसको आपने गार्डन में देखा होगा, ऐसा ये हो गया, ऐसा है, ये एनिमल है, राइट। ये एनिमल है और इसका ये जो नेक पोर्शन है, यहाँ पर ऐसा 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 इस तरह का ऐसा ऐसा रहता है, मतलब स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो इसका नाम क्या है बताइए? बॉडी में इस तरह का बैंड रहता है, डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये क्या है बताइए? इसका नाम है कैलोटिस, CALOTES, कैलोटिस इसका साइंटिफिक नेम, पर इसका जो कॉमन नेम है, इसका नाम है गार्डन लिजर्ड। इसका नाम है गार्डन लिजर्ड। तो देखिए, ये जब भी चलता है, ठीक है, ये छाती पे वजन डल के चलता है। जैसे ये गिरगिट देखा होगा आपने, वॉल लिजर्ड, हाँ, ये क्या है? चिपका हुआ रहता है कोई सबस्ट्रेटम से, तो छाती पे वजन डल के चलता है। इस तरह का जो लोकोमोशन, इसको बोलेंगे क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, और एक क्रीपिंग मेथड से ये चलता है, ठीक है। एलिगेटर, मगरमच्छ को आपने देखा होगा, इस तरह से ये चल लेता है। दूसरा इसका खास बात क्या है? खास बात नहीं, इसका डिसएडवांटेज है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, COLD, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन नॉट मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, राइट। एनवायरमेंट में जिस तरह का टेम्परेचर रहता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर, उस हिसाब से क्या होता है? चेंजेस होते जाता है, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल को और एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल, या तो पाइकिलोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है। एग्जाम में कोई भी फॉर्म पूछ ले तो आप बता देना, ठीक। दूसरा बात, इसका स्किन हमेशा क्या होता है? ड्राई होता है। स्किन इज ड्राई, ड्राई एंड ग्लैंडलेस, ग्लैंडलेस। की स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड नहीं रहेगा और इसका स्किन पूरा सूखा रहेगा, ठीक। जबकि एम्फीबिया में मैंने क्या बताया था? स्किन क्या होता है? स्मूथ होता है और ग्लैंडुलर रहता है। ये यहाँ पर रेप्टाइल्स जो है, ये पूरा एम्फीबिया से उल्टा है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और इसका स्किन कैसा होता है? इसका स्किन और भी एक खासियत दिखाता है कि इसका स्किन होता है ROUGH, राफ होता है इसका स्किन, ठीक, बहुत ही राफ होता है। और इसका बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कवर्ड विथ स्केल और स्क्यूट, बॉडी
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल और स्क्यूट स्क्यूट्स, ठीक। तो ये बात आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेप्टाइली रेप्टाइल्स का जो बॉडी है वो किससे कवर्ड रहता है, या तो स्केल से रहेगा या तो स्क्यूट से क्या रहेगा, ये कवर्ड रहने वाला है, ठीक। दूसरा देखिए, एक बात जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि जो स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल, स्नेक स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन, शेड देयर स्किन, और उस स्किन को एक्चुअली स्किन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्केल, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा उसका बॉडी किससे कवर्ड रहता है, स्केल या तो स्क्यूट से। तो लिजार्ड और स्नेक का जो बॉडी है कवर्ड रहता है किससे, स्केल से, SCALE। तो ये स्केल उसको क्या करता है, पीरियडिकली ये क्या करता है, शेड करता है, मतलब पलट लेता है, क्योंकि इसको जब भी ग्रो होना रहता है, लिजार्ड को जब भी ग्रो होना रहता है तो क्या होता है, इसका ओल्ड स्किन जो है, ओल्ड जो स्केल है वो शेड कर देता है, वो छुड़ा लेता है और उसके जगह नया जो स्केल है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या मिलता है इसको, इसका बॉडी का ग्रोथ भी होता है, और ऊपर में मान लो कि ओल्ड जो स्केल है उसमें कुछ पैरासाइट लग गया तो उससे उसको छुटकारा भी मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर और एक बात आपको सिखाऊंगा, जैसे कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑलवेज बाय द लंग। रेस्पिरेशन कैसे होगा बच्चों, जैसे कि हमने एम्फीबिया में सीखा था, रेस्पिरेशन चार मोड में होता है, लंग से भी होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन से भी होता था, बाक्कोफेरिंजियल कैविटी से होता था, और किससे होता था बताइए, गिल से भी होता था। पर यहाँ पर रेप्टाइल जो है इसमें रेस्पिरेशन ओनली टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एल्यूएनजी लंग, देयर इज नो गिल, देयर इज नो गिल, राइट। ये बात आप बड़ा ध्यान से याद रखना, स्कल ऑफ रेप्टाइल इज मोनोकोंडाइलिक, स्कल ऑफ दे हैव मोनोकोंडाइलिक स्कल। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकोंडाइलिक स्कल, आपको इसका ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि बच्चों मैं यहाँ पर एक रेप्टिलियन स्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सा एनिमल ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पर एक स्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। ये उसका मानिए कि आई ऑर्बिट है, आई अटक गया, और इसका ये जो है नेजल ओपनिंग, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जस्ट राफली मैंने ये हेड बनाया है इसका, ठीक, और हेड का लास्ट पोर्शन में यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते ओसिपिटल कॉन्डाइल, ओसिपिटल कॉन्डाइल। और ओसिपिटल कॉन्डाइल ये ऐसा प्रोजेक्शन नंबर में कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोकोंडाइलिक स्कल, ठीक। और इस स्कल के नीचे से यहाँ से क्या है, एक क्योंकि ये जगह पे ब्रेन रहता है, ठीक, और ब्रेन से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से क्या होता है आपका, क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर जाने के लिए एक ओपनिंग चाहिए, और ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोरामेन मैग्नम, क्या बोलेंगे बच्चों, फोरामेन मैग्नम, ठीक। ये दो बात याद रखिएगा कि जो रेप्टिलियन स्कल है ये किस तरह का होता है, ये होता है मोनोकोंडाइलिक, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो है ये एक रहता है, और ऑक्सीपिटल कोंडाइल के नीचे से यहाँ पर एक ओपनिंग रहता है, वो ओपनिंग के अंदर से क्या होता है, ब्रेन के अंदर से क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड निकल आता है। तो वो जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये दो बात से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब याद रखना। दूसरा बात देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दे हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, ये भी बात आपको जानना पड़ेगा। दे हैव टू पेयर्स ऑफ
पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल लिंब। ठीक, क्या मतलब है ये जो पेंटाडेक्टाइल है इसका मतलब क्या है? देखो अभी आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ये जो आइडिया है ये आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ठीक, कि यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ एक एनिमल। ठीक, राइट, ये एक एनिमल बना दे रहा हूँ आपके लिए। और ये एनिमल का बॉडी में एक्चुअली इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन हमको क्या है दिखाई पड़ता है, इस तरह का प्रोजेक्शन दिखाई पड़ता है। और ऑब्वियसली क्या रहता है, इसमें लेग रहता है, ये मानिए कि फोर लेग। ठीक, फोर लेग, और ये इसका क्या है, हाइंड लेग होगा। तो हाइंड लेग, यहाँ पर एक पैर जो नीचे दिख रहा है आपको दब गया, ये दिख नहीं रहा है। ठीक, ये हो गया एक एनिमल जिसका नाम है हॉर्नेड टोड। क्या नाम है बच्चों? हॉर्नेड टोड। जबकि मैंने टोड के बारे में बताया था, टोड क्या है, एक एम्फीबिया है, पर ये एम्फीबिया नहीं है। इसीलिए ये डायग्राम मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया कि एग्जाम में अगर पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, ये कोई एम्फीबिया नहीं है, ये क्या है, रेप्टाइल्स है, एक रेप्टिलियन है, और इसका नाम क्या है, हॉर्नेड टोड। ठीक, इस तरह का दिखता है और सूखा जगह पे इसको पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो है इसका क्या है, दो पेयर्स लेग रहेगा, दो पेयर्स, ये जो लेग है इसको बोलेंगे फोर लिम्ब। क्या बोलेंगे बच्चों? फोर लिम्ब। और ये जो लेग है इसको बोलेंगे हाइंड लिम्ब, पीछे का जो पैर है उसको बोलते हैं हाइंड लिम्ब। ठीक, और हाँ, तो कितना लेग, लिम्ब कितना हो गया, टू पेयर्स, यहाँ पर दो और पीछे दो, जो यहाँ पर इसका बॉडी के नीचे एक दब गया, मैं दिखाया नहीं। ठीक, तो देखिए और दूसरा क्या है, ये तो टू पेयर्स हो गया लिम्ब, पर पेंटाडेक्टाइल मतलब क्या है, हर एक पैर में जो हर एक लेग है उसमें क्या है, देखो पांच फिंगर दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। ठीक, तो इसको बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मतलब पेंट मतलब फाइव और डेक्टाइल मतलब फिंगर्स। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया, दे हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब। बात समझ में आया क्या? एंड लिम्ब वी आर क्लॉज, लिम्ब वी आर क्लॉज, मानिए कि ये जो पैर है ये हमने आगे क्या कर दिया, जूम करके दिखाया, तो ये पैर आपको कैसे दिखने वाला है, मैं जस्ट सिंपल डायग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरह के, ये दो तीन चार पाँच, ठीक, ऐसा ये पैर आपको देखने को मिलेगा। और हर पैर में क्या होगा बताइए, यहाँ पर आगे अगर अच्छे से नज़र डालेंगे तो यहाँ पर क्लॉस होता है, क्लॉस, नखून। ठीक, इस तरह से ये क्या होता है, क्लॉ है। तो ये एक रेप्टिलियन का क्या है, बहुत बड़ा खासियत है। ठीक, कि दे हैव रेप्टाइल्स हैव पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब एंड लिम्ब बियर क्लॉ, सी एल ए डब्ल्यू, क्लॉ, नखून बियर करता है। सिर्फ एक्सेप्ट कौन है, सिर्फ एक्सेप्ट स्नेक। सांप में कोई भी लिम्ब ऐसा नहीं रहेगा, जबकि मैं यहां पर आपके लिए एक बना ही देता हूं, जबकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, राइट, ये कौन है बताइए बच्चों? आपने काफी बार इसको जंगलों में देखा होगा। ठीक, राइट, जस्ट मैंने राफली ड्रॉ करा बच्चों। ये कौन है बताइए? ये हो गया एक स्नेक। ठीक, तो ये स्नेक में अपने कभी हाथ पैर ऐसा देखा क्या? कभी नहीं देखा, इसलिए क्या बताया, यहाँ पर एक्सेप्शन बताया, यहाँ पर कोई लिम्ब नहीं रहता, और लिम्ब अगर नहीं है तो उसमें क्लॉ होने का भी कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। राइट, रेप्टाइल्स हैव थ्री चेंबर हार्ट, दे हैव थ्री चेंबर
हार्ट, जबकि ये कॉमन पॉइंट है। रेप्टाइल्स का भी 3 चैम्बर हार्ट रहता है और एम्फीबिया में भी मैंने बताया यहाँ पर भी 3 चैम्बर हार्ट रहता है, पर एक्सेप्ट एक्सेप्ट CPT एक्सेप्ट इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में क्या रहता है, 4 चैम्बर हार्ट रहता है। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर हार्ट रहता है, 4 चैम्बर। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा बात यहां पर देखिए, जो आरबीसी रहता है इसका बॉडी में, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। जो भी आरबीसी मिलेगा उसके अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। जबकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो आरबीसी है इसमें क्या है, इंसान के पास इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, पर रेप्टिलियन आरबीसी कॉन्टेन न्यूक्लियस। दूसरा और एक खास बात यहाँ पर आपको और शेयर करना चाहूँगा, जे जो इसका जो किडनी है, किडनी इज एडवांस टाइप। ये जो है ये क्या है, किडनी है, और किडनी के ऊपर एक कैप शेपेड एक ग्लैंड रहता है जिसका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, यहाँ पर ये जो है एड्रीनल ग्लैंड और एक किडनी है। तो किडनी जो है ये एडवांस टाइप का किडनी है, और एडवांस किडनी को क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बोलते हैं मेटा नेफ्रिक किडनी। ठीक, अभी तक आपने देख के आया कि जो एम्फीबिया है उसके पास क्या था, उसके पास था मेसोनेफ्रिक किडनी। ठीक, तो मेसोनेफ्रिक क्या था, मीडियम डेवलप किडनी, ना तो बहुत ज्यादा डेवलप ना तो लेस डेवलप। ठीक, पर मेटानेफ्रिक किडनी इज हाईली डेवलप, एडवांस टाइप ऑफ किडनी, एडवांस टाइप ऑफ किडनी। और प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो क्या है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, पुअरली डेवलप किडनी होता है। और एक अजीब बात है, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो रेप्टाइल्स है ये 3 मोड में एक्सक्रेशन करता है। जैसे कि क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल जो है ये क्या होता है, ये होता है एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक एनिमल। एमोनोटेलिक किसको बोलेंगे, दे एक्सक्रीट चीप एक्सक्रीटरी मटेरियल एज ए फॉर्म ऑफ एमोनिया। ये क्या करता है, एमोनिया एक्सक्रीट करता है क्रोकोडाइल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बोलेंगे एमोनो टेलिक। ठीक, दूसरा और क्या है, जैसे कि टर्टल एंड एलिगेटर, टर्टल एंड एलिगेटर ये जो है, टर्टल एंड एलिगेटर कछुआ, और ये भी एक तरह का मगरमच्छ जैसा ही है, पर क्या है इसका कुछ फीचर अलग रहता है जो मैं आगे बात करने वाला हूँ कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक, तो टर्टल कछुआ और ये एलिगेटर में क्या होता है, ये लोग रहता है यूरियोटेलिक, यूरियो टेलिक, दैट्स मीन दे आर एबल टू एक्सक्रीट यूरिया, ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूरियो टेलिक। और लास्ट एक ग्रुप बच गया, जैसे कि लिजार्ड एंड स्नेक, लिजार्ड एंड स्नेक एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड, इसलिए ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाला एनिमल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कोई भी हाल में क्या करिएगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, और एक खास बात है ये लिजार्ड में। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहूँगा, फिर बाद में आपको बताना चाहूँगा। ठीक, ये मानिए कि एक लिजार्ड है। ठीक, मानिए मतलब मानने का जरूरत नहीं है, आपको देख के ये समझ में आएगा कि ये लिजार्ड है। ठीक, जस्ट सिंपल डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये वॉल लिजार्ड है, आपको देख के समझ में आ रहा है, वॉल में चलता है। ठीक, तो इसने जब वॉल में चलता है, ये जो लिजार्ड है इसको आपने कीड़ा मकोड़ा ऐसा खाते हुए देखा होगा, कीड़ा मकोड़ा ये खाता है। ठीक है, ये रहता है इंसेक्टिवोरस। कैसा रहता है बच्चों, ये जो एनिमल है ये एक्चुअली क्या रहता है, इंसेक्टिवोरस रहता है। ठीक, इंसेक्ट को खाता है। ठीक, अब ये इसको आप जिंदगी में कभी पानी पीते हुए देखा क्या, लिजर्ड को?
कभी भी ये पानी नहीं पीता, ठीक। तो इसको पानी का बचाव करना है तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने लगता है। और यूरिक एसिड जब एक्सक्रीट करते हैं तो यहाँ पर पानी का कंजर्वेशन होता है, बहुत लेस अमाउंट इसको क्या लगता है, वाटर लगने लगता है, ठीक। तो मानिए कि इसने पॉटी किया, ठीक है, जस्ट मानिए इसने पॉटी किया, और अगर एज ए बायोलॉजिस्ट अगर इसको पॉटी को अपने ऑब्जर्व किया, ठीक, तो इसमें देखना एक ब्लैक हिस्सा मिलता है और एक वाइट हिस्सा मिलता है, ठीक। ये जो वाइट हिस्सा है ये क्या है बताइए, ये होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक। और गिरगिट का जो संडाश है उसमें अभी कभी भी आपको पानी मॉइस्चर नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये जो लिजर्ड और स्नेक है ये क्या होता है, इस तरह का यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल। और इसमें क्या होता है, वाटर का कंजर्वेशन होता है, ये लोग बिना पानी पी के भी जिंदगी बिता सकते हैं। जो फूड लेते हैं ये फूड में ये कीड़ा मकोड़ा में जितना वाटर होते उसमें से इसका मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो चल जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों। रेप्टिलियंस हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जबकि हमने एम्फीबिया में कितना पेयर्स देखा था, 10 पेयर्स। मतलब ये क्या है, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना एडवांसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ईयर जो है, दे हैव ईयर, वेल डेवलप ईयर, इसमें ईयर में क्या क्या है बताइए, यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, और एक्सटर्नल ईयर अगर प्रेजेंट है तो ये क्या है, पुअरली डेवलप, एक्सटर्नल ईयर इज पुअरली डेवलप। उसके बाद मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर, एंड इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक। तो ये बात याद रखना। और इसके साथ जो बात के जो मतलब पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है, देखिए बच्चों, ये स्नेक जो है, स्नेक जो है ये क्या है, ये भी रेप्टिलियंस है, बट स्नेक हैव नो ईयर। सांप में कभी भी कोई भी कान नहीं होता, ठीक है, सांप में कभी भी क्या नहीं होता बच्चों, कान नहीं होता। तो आप पूछोगे कि सर सांप में अगर कान नहीं है तो ये भला सुनते कैसे है, इंसान को कैसे काट लेते, ठीक, ये कैसे करते, काटते ना इंसान को, सांप जहरीला रहता है बच्चों, अंडरस्टिमेट मत करो इसको, ठीक, ये जहरीला रहता है, अगर एक बार काटेगा तो जिंदगी आसमान में, हाँ, खत्म, ठीक, बात सारा बात यहाँ पर ही खत्म होता है। ये स्नेक है, और ये स्नेक का क्या है, दे हैव नो ईयर, तो ये क्या कर सकता है, किस तरह से ये सुन लेता है बताइए, जो भी है अगर कोई इंसान माइग्रेट कर रहा है तो साउंड वाइब्रेशन इसको क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, जो टच सेंसिटिव रिसेप्टर रहता है, जो मतलब वाइब्रेशन सेंसिटिव रिसेप्टर रहता है, वो क्या करता है, इसको मतलब पता चलता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू, ग्राउंड वाइब्रेशन के थ्रू इसको पता चलता है, बट दे हैव नो ईयर एट ऑल। बात समझ में आ गया ना बच्चों। दूसरा बात देखिए, यहाँ पर और दो चार चीज आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे आर मोस्टली कार्निवोरस एंड दे हैव ए टिपिकल क्लोएका, दे हैव टिपिकल क्लोएका, दैट्स मीन डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन इनटू क्लोएकल एपर्चर। क्लोएका में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा, ओपन होगा। और क्लोएका के बारे में मैं अच्छे से बात कर चुका हूँ आपको, आप जानते हैं क्लोएका क्या है, आप फिर भी मैं यहाँ पर आप अगर नया देख रहे तो यहाँ पर आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ कि क्लोएका क्या है, ठीक। देखिए ये जो चेंबर है ये है क्लोएका, CLOACA, क्लोएका। और क्लोएका में तीन डाक्ट इस तरह से ओपन होता है, और एक डाक्ट का खासियत क्या है, देखिए ये डाक्ट नहीं है, ये क्लोएका है, मनी मैं इसको बंद कर देता हूँ, बाद में मैं समझाता हूँ। तीन डाक्ट क्लोएका में क्या होगा, ओपन होगा, एक तो रहेगा डाक्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये क्या है, डाक्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम का डाक्ट यहाँ पर आके ओपन होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा बताइए, ये फिकल मैटर यहाँ पर क्या होगा, जमा होगा। दूसरा ये क्या है, डाक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव डाक्ट,
ये क्या है बच्चों बताइए, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव डक्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मेल है तो यहाँ पर स्पार्म, ये डक्ट के थ्रू स्पार्म आएगा, और अगर ये फीमेल है तो ये डक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या जमा होगा, ओवम जमा होगा। और यहाँ पर ये जो डक्ट है ये क्या है बताइए, ये हो गया आपका यूरिनरी डक्ट, मतलब यहाँ से जो जमा होगा यहाँ पर ये यूरिन है, ठीक। तो ये तीन तरह का डक्ट क्या होता है, तीन तरह का मटेरियल यहाँ पर जमा करता है, और ये जो कॉमन चेंबर में आके ये जमा हुआ ये क्या है, इस चेंबर को बोलेंगे क्लोएका, एंड क्लोएका इज ओपन आउटसाइड द बॉडी बाय द क्लोएकल एपर्चर। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, क्लोएकल एपर्चर, यहां से ये क्या हो जाता है, बॉडी के बाहर इजेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया ना बच्चों। और दूसरा देखिए, ये जो रेप्टाइल है दे आर मोस्टली ओवीपेरस, बट सम एक्सेप्शन रेप्टाइल, सम रेप्टाइल्स आर वीविपेरस आल्सो, वीविपेरस। अब आप ये नहीं पूछना कि सर ओवीपेरस क्या है, ये ओवीपेरस जो है ये क्या करता है, एग लेइंग करता है, अंडा देता है, ठीक। और वीविपेरस जो है ये सीधा बच्चा पैदा करता है। तो वीविपेरस का एग्जाम्पल आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है। इसका एक सांप रहता है, ठीक, एक स्नेक है, खतरनाक पॉइजनस स्नेक, जो क्या करता है वीविपेरिटी शो करता है, जिसका नाम वाइपर, VIPER, वाइपर बोल के एक स्नेक रहता है, बहुत डेडली पॉइजनस क्या रहता है, इसके पास वेनम रहता है, पॉइजन रहता है। तो ये होता है वीविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल। और ये जो क्लोएकल एपर्चर, इसके थ्रू क्या होता है, यूरिन, फीकल मैटर और स्पर्म ओवम, ये क्या होता है, जब समय आता है तो ये बाहर, बॉडी के बाहर इजेक्ट हो जाता है। बच्चों बात यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर आपसे डिस्कस करना है, द रेप्टाइल्स आर, रेप्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये अंडरस्टिमेट मत करिएगा। द रेप्टाइल्स आर, यहाँ पर डिफरेंट कलर से बता देता, एमनियोट्स, एमनियोट्स, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमनियोट्स, देखिए दो तरह का एनिमल रहता है, एक रहता है एमनियोट्स, दूसरा रहता है एन एमनियोट्स, एन एमनी ओट्स। तो आप ये जानते होंगे कि एन एमनियोट्स जो है इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है फिश एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया, पर आपको अभी तक बताया नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमनियोट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एमनियोट्स। पर एग्जाम्पल आप याद रखो कि एन एमनियोट्स में कौन आता है, फिश एंड एम्फीबिया। पर रेप्टाइल्स जो है ये खास एनिमल है, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है एमनियोट्स। अब ये जान लेते हैं कि एमनियोट्स किसको बोलेंगे, दे हैव एमनियोटिक मेम्ब्रेन, दे हैव एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एनिमल में एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे एमनियोट्स। तो आप बोलेंगे कि सर आप एमनियोट्स समझाया नहीं, और उसके बाद और एक सस्पेंस में डाल दिया कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको सिंपली बोलेंगे क्या, एमनियोट्स। पर आप ये भी आपको क्रैक करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चों, जो एम्ब्रायनिक कंडीशन में जो पैदा होने के समय क्या कौन सा मेम्ब्रेन रहेगा, एक तो रहेगा कोरियन, CHORION, कोरियन, कोरियन एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन, दूसरा और एक है एमनियन एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोला जाएगा इसको, उसके बाद एलांटोएस और योक सैक। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है, कोरियन, एमनियन, एलांटोएस, योक्सैक, ये अगर कोई एनिमल का एम्ब्रायनिक कंडीशन में, छोटा कंडीशन में, बचपन में, माँ का पेट में है, तब अगर है उसका लाइफ स्पैन में, लाइफ में, तो उसको, वो एनिमल को हम कौन सा ग्रुप में रखेंगे, एमनियोट्स में रखेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन कोरियन, एमनियन, एलांटोएस एंड योक्सैक,
ये रेप्टाइल्स में है तब इसको बोला जाया, क्या बताओ, एमनियोट्स बोला गया। अब इसको क्रिस्टल क्लियर करते कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक, एमनियोट्स एक्चुअली है क्या। तो देखो बच्चों, हम हमेशा डायग्राम के थ्रू सीखेंगे तो ये हम कभी भी भूलेंगे नहीं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन, मानिए कि ये एक एनिमल का आउटर मेम्ब्रेन, ये जब ये पैदा हो रहा है माँ का पेट में तब का कंडीशन है, ठीक। और ये सेल है, और सेल में ये छोटा छोटा जो है ये न्यूक्लियस है, राइट, ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये जो बाहर का कवरिंग है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे कोरियन। क्या बोलेंगे बच्चों, जो यहाँ पर बताया मैंने, इसको क्या बोलेंगे, कोरियन मेम्ब्रेन नंबर वन, ठीक। कोरियन के अंदर यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एक बच्चा रहता है, बेबी रहता है। तो मानिए ये छोटा सा बेबी बना रहा हूँ मैं, ठीक, अंडरस्टिमेट मत कीजिए, ये छोटा सा बेबी है जब ये माँ का पेट में ग्रो हो रहा है, ठीक। ये इसका छोटा सा आई डेवलप हुआ और ये बेबी है जस्ट, ठीक। तो ये बेबी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ये भी, ये ऑलरेडी ये कोरियन के अंदर है। और ये क्या करेगा बताइए, इसके अंदर इस तरह से ये घिरा हुआ है। तो ये किसके अंदर, ये जो मेम्ब्रेन है जिससे घिरा हुआ है, ये मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे एमनियन, एमनियन, ठीक। तो एमनियन ये है मेम्ब्रेन नंबर टू। अब देखिए यहां से और दो मेम्ब्रेन का आपको पता होना चाहिए, यहां से और एक सैक जैसा मिलता है, ठीक, ये सैक जैसा है, बेबी से निकलता है, तो इसको बोलेंगे यॉक सैक। क्या बोलेंगे बच्चों, YOLK, यॉक सैक। तो ये मेम्ब्रेन नंबर थ्री हो गया। और एक मेम्ब्रेन यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है एलांटोइस। क्या नाम है बच्चों, ये जो सैक है, मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलेंगे, एलांटोइस। और ये खुद क्या है, ये है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बेबी, ठीक। अब देखिए यहां पर एक सिग्निफिकेंट बात आपको बताना है, ये जो यॉर्क सैक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन इन एम्ब्रायनिक कंडीशन। देखिए ये जो रेप्टाइल्स है, ये अगर काटोगे आप तो खून निकलता है, तो ये खून एम्ब्रायनिक कंडीशन में कहाँ से पैदा होता है, ये पैदा होता है यॉक सैक से, यॉक सैक से, ठीक। ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम यॉक सैक, ब्लड बनता है यहाँ पर एम्ब्रायनिक कंडीशन में, ठीक। तो ये यॉक सैक के अंदर क्या होता है, कुछ जो सेल रहता है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेम सेल, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल। ये जो छोटा छोटा सेल दिख रहा है, ये क्या है, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल। और ये एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से क्या होता है, एम्ब्रायनिक लाइफ में ब्लड पैदा होता है, खून पैदा होता है। तो ये बात आप याद रखना। आप देखिए यहाँ पर मुद्दा का बात क्या है कि रेप्टाइल जो है ये एमनियोट्स होता है। क्यों एमनियोट्स होता है, क्योंकि इसका एम्ब्रायनिक कंडीशन में क्या क्या दिखता है, कोरियन दिखता है, उसके बाद एमनियन दिखता है, उसके बाद एलांटोइस दिखता है, उसके बाद यॉर्क सैक दिखता है, ये सारा मेम्ब्रेन इसमें दिखता है, इसलिए ये एमनियोट्स है। और फिश में और एम्फीबिया में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखता, तो इसको क्या बोलेंगे, एन एमनियोट्स। बात समझ में आ गया ना बच्चों। और ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर, ये जो एमनियन, एमनियन के अंदर ये कुछ फ्लूइड रहता है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड रहता है, ठीक। ये फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर ये बेबी रहता है, ठीक है, बेबी फ्लूइड के अंदर रहता है। तो ये जो फ्लूइड है, इसको बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड। और ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी के अंदर फ्लूइड है, उसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। बात समझा बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है क्या है, एमनियोट्स का खासियत है। बच्चों अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। तो क्लासिफिकेशन से पहले हम क्या करेंगे, एक बात जो मिस हो गया वो आपको बता दे रहा है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको डिस्कस करा कि रेप्टाइल्स आर एमनियोट्स। तो एमनियोट्स में खाली रेप्टिलिया नहीं आते, यहाँ पर बर्ड्स एंड मैमल्स, ये दो क्लास भी शामिल होते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं ये रेप्टिलिया जो क्लास है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है। तो देखिए ये जो क्लास है, इसको चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो पहला ऑर्डर जो है उसको बोलते हैं चिलोनिया, चिलोनिया, चिलोनिया।
और चिलोनिया का सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। चिलोनिया का एग्जाम्पल क्या होता है, टर्टल टॉर्टोइस, टर्टल एंड टॉर्टोइस, TURTLE, टर्टल एंड टॉर्टोइस, टॉर्टोइस। ये क्या है बच्चों, ये है कछुआ, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कछुआ किस तरह का रहता है, बहुत धीमा गति से ये चलता है, ठीक। और इस तरह से इसका पेडल लाइक क्या रहता है, लेग भी रहता है, ठीक। इस तरह से ये क्या है, ये है टॉर्टोइस, ठीक। टॉर्टोइस, टर्टल, जो भी बोल सकते हैं, कछुआ है, बस ये याद रखिएगा। तो ये हो गया चिलोनिया का एग्जाम्पल विथ डायग्राम। दूसरा जो ऑर्डर है उसको बोलेंगे रेंचोसेफालिया, RHYNCHOCEPHA सेफा एल आई ए, रेंचोसेफालिया। और रेंचोसेफालिया में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसका नाम है स्फेनोडॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, SPHENODON, स्फेनोडॉन, ठीक। स्फेनोडॉन जो है इसको कॉमनली टुआटारा भी बोला जाता है, टुआटारा भी बोला जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा खासियत है, ये इसको क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल, LIVING, लिविंग फॉसिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कि एवोल्यूशनरी पीरियड में ये जैसा पैदा हुआ था इसमें आज तक कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, वैसा ही है। तो इसको क्या बोला गया, लिविंग फॉसिल, किसको, स्फेनोडॉन या तो टुआटारा को, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो ऑर्डर है उसका नाम है स्क्वामाटा, स्क्वामाटा, SQUAMATA, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। और इस स्क्वामाटा ऑर्डर में एग्जाम्पल क्या आते हैं, एक तो आता है लिजार्ड, लिजार्ड LIZZARD, लिजार्ड आता है। और दूसरा आता है स्नेक, स्नेक्स, ठीक। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है। तो यहां पर हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग लिजार्ड का एग्जाम्पल, एज वेल एज देखेंगे कुछ स्नेक्स का एग्जाम्पल, ठीक। जैसे कि लिजार्ड में सबसे मतलब एक ब्यूटीफुल लिजार्ड है जिसका नाम है कैमेलियन, CHEMELEON, कैमेलियन, ठीक। देखना बहुत कलरफुल होता है। और इसका एक खासियत ये है कि ये उसका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो क्या करता है, उसका बॉडी का कलर चेंज कर लेता है, उसको उस फिनोमेनन को बोलते हैं मिमिक्री, ठीक। और ये जो कैमेलियन है इसको कॉमनली बोला जाता है ट्री लिजार्ड, ये याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्री लिजार्ड, ठीक। कैमेलियन को बोला जाता है ट्री लिजार्ड। और ये क्या कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करता है, एनवायरनमेंट जैसा है उस हिसाब से ये बॉडी का इसका कलर चेंज कर लेता है, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको मैंने लेसन शुरू करने के समय बताया था एक लिजार्ड के बारे में जिसका नाम है कैलोटिस, CALOTIS, ये आपका NCERT में दे के रखा है। और इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कैलोटिस को बोलते हैं गार्डन लिजर्ड, ये पूछता है बच्चों, गार्डन लिजर्ड, कैलोटिस को बोला जाता है गार्डन लिजर्ड। और देखिए जो सबसे कॉमन है, आप हमेशा इसको देखते रहता है, जिसका नाम है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस। अब ये हेमीडेक्टाइलस ये तो हो गया साइंटिफिक नेम, पर इसका कॉमन नेम सुन के आप हंस पड़ेंगे, ठीक है। ये होता है वाल लिजार्ड, वाल लिजार्ड, वाल लिजार्ड। और आप जानते हैं कि वाल लिजार्ड तो हमेशा आपको कहीं से भी दिख जाता है, घर में अगर आप वॉल की तरफ देखते हैं तो वाल लिजार्ड आपको दिखता है। तो ये जो एग्जांपल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, तो इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा, ये कभी सीरियसली लर्न कीजिएगा, ठीक। जब मैं नीट का स्टूडेंट था, जब मैं नीट दे रहा था, तो मैं इसको मतलब मुझे याद है मेरा जो प्रोफेसर था बायोलॉजी का, उनका नाम है सुमन, तो सुमन सर ने मुझे 15 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कराया। तो मेरा भी गुजारिश है कि ये जो एग्जांपल्स है ये आप
बहुत बार क्या करिए, लीक के प्रैक्टिस कीजिए। तो आप स्नेक के बारे में देखेंगे, कुछ डेंजरस स्नेक इसका एग्जांपल में आएगा, जैसे कि एक होता है नाजा, नाजा, ठीक। तो नाजा को क्या बोला जाता है, कॉमनली इसको बोला जाता है कोबरा, COBRA, नाजा को कोबरा बोला जाता है और डेडली पॉइजनस स्नेक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद और एक पॉइजनस स्नेक है जिसका नाम है बेंगारस, BANGARUS, बेंगारस भी डेडली पॉइजनस स्नेक है, ठीक, कभी भी इसको भूलिए मत। और बेंगारस को भी कॉमनली क्या बोलते हैं, क्राइट, KRAIT, क्राइट बोलते हैं। ये भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी दमदार एग्जांपल, कभी भी भूलिए मत, ठीक। और अभी एक बार आपको इसके बारे में बताया भी था, वाइपर, ठीक है, VIPER, वाइपर, जो विविपरा स्नेक है, ठीक, विविपरा रेप्टाइल्स है, इसको वाइपर बोला जाता है, ठीक। ये बच्चा पैदा करता है, ये अंडा नहीं देता। और एक स्नेक यहाँ पर, जैसे कि वेनमलेस स्नेक जिसका नाम है पाइथन, इसमें कोई वेनम नहीं है, ठीक है, तो ये वेनमलेस स्नेक है, नॉन पॉइजनस स्नेक। और ये बाकी जो बताया मैंने, ये सारा क्या है बताइए, पॉइजनस स्नेक। और एक खास स्नेक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम किंग कोबरा, KING, किंग COBRA। और एक किंग कोबरा इंडिया में पाए जाते हैं, बड़ा मतलब प्यारा स्नेक है पर बहुत खतरनाक भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है किंग कोबरा जो है इन मतलब वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक है, लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक, राइट। ये जो है किंग कोबरा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, एंड दिस स्नेक हैव ए ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू बिल्ड द नेस्ट, इट इज द ओनली स्नेक दे कैन बिल्ड देयर नेस्ट, ये नेस्ट बनाता है, यानी ST। दो इसका, इसके बारे में दो पॉइंट कभी भी याद रखना बच्चों, दुनिया में ऐसा कोई स्नेक नहीं है जो नेस्ट बनाता है, पर किंग कोबरा इंडिया में मिलता है। ये कौन सा जंगल में मिलता है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, वेस्टर्न घाट में मिलता है, इंडिया का वेस्टर्न घाट बोल के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें मिलता है ये किंग कोबरा। और ये लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड, एंड इट कैन बिल्ड देयर नेस्ट, राइट, ये याद रखिएगा बच्चों। लास्ट जो ऑर्डर है इसका नाम है क्रोकोडिलिया। तो आप जानते हैं कि क्रोकोडिलिया के अंदर आसान एग्जांपल रहेगा, एक तो रहेगा क्रोकोडाइल और एक रहेगा एलिगेटर, ठीक। तो ये दो एग्जांपल ऑब्वियसली आप क्या करिएगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। तो ये हुआ ओवरऑल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रेप्टाइल्स और कुछ फीचर्स, राइट, जो एग्जाम के लिए बहुत भयानक इंपॉर्टेंस रखते हैं। भयानक बोले तो क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइस। तो मेनली क्या होता है, टर्टल जो है ये क्या होता है, हमेशा वाटर में रहता है, ठीक है, ये क्या कहाँ पर रहता है, वाटर में रहता है, समुंदर में, नदी में ये पाए जाते हैं। पर ये क्या है, तो वाटर में सेमी एक्वाटिक रहता है, वाटर में भी रहता है और ये मेनली कहाँ पर रहता है, लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक, वाटर में भी रहता है पर ये कभी कभार लैंड पे आता है, जब अंडा देना होता है तब, मतलब बच्चा पैदा करना रहता है तब। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, जो फोर लिम्ब है ये देखिए पेडल जैसा बन गया, PADDLE, पेडल जैसा वेब बन गया, ठीक, जो स्विमिंग के लिए एकदम परफेक्ट मॉडिफिकेशन हो गया। पर इसका जो लेग है वो इस तरह से पेडल जैसा नहीं हुआ, देयर इज नो पेडल लाइक स्ट्रक्चर, नो पेडल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। यहां पर ये जो टॉर्टोइज है यहां पर कोई पेडल लाइक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, पर ये स्विमिंग के लिए ये भी क्या है, मतलब कैपेबल है, ये भी स्विम कर सकता है, पर उतना एक्सीलेंट स्विमर नहीं है जितना एक्सीलेंट स्विमर कौन है, टर्टल है, बात समझ में आया। और एक खास बात यहाँ पर आपको कहाँ पर टॉर्टोइस में देखा जाएगा कि इसका जो हेड एंड नेक, ये हेड है, ये नेक है, इसके बाद ये जो लिम्ब है, लेग है, ये क्या होता है बताइए, हेड एंड नेक आर कंप्लीटली विथड्रॉन इनसाइड द शेल, हेड एंड नेक, ये पॉइंट याद रखिएगा, HEAD, हेड एंड नेक इज
कॉम्प्लीटली कॉम्प्लीटली विथड्रॉन withdrawn inside the shell. ये जो शेल है ये शेल के अंदर एक कॉम्प्लीटली इसका हेड और लेग्स वगैरह ये अंदर लेके आ सकता है, पर ये जो आपका टर्टल है they cannot do this. ये बात बच्चों बड़ा शांति से याद रखेगा. और इसका जो ये जो टॉटाइज है इसका जो बॉडी शेप है ये क्या है, डोम शेपेड. ये डोम शेपेड होता है मतलब ऐसा कार्व होता है, ऐसा ऊंचा होता है, ठीक. और इसका जो बॉडी शेप है ये क्या है, फ्लैट है, मतलब काफी फ्लैट है, FLAT फ्लैट होता है. और इसका बॉडी जो है ये आपका टॉटाइज का ये बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा हुआ रहता है, पर ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा हुआ नहीं रहता, जबकि ऊपर का क्या रहता है, कैरापेस रहता है दोनों में, ठीक. तो ये कॉमन सा फीचर है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा. अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटिंक्ट रेप्टाइल के बारे में बात करेंगे जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, extinct, दुनिया में जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है बहुत साल पहले, ठीक है. जैसे कि उसमें दो डायनासोर का बात करेंगे, दो डायनासोर जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इवोल्यूशन में भी है. तो यहाँ पर आप क्यों ना याद रखें इसको, यहाँ पर क्या है, ब्रोंटोसौरस, BRONTO, ब्रोंटोसौरस, SAURUS, ब्रोंटोसौरस जो है एक डायनासोर है, ठीक. और ये है दुनिया का लॉन्गेस्ट हर्बीवोरस डायनासोर, याद रखिएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट हर्बीवोरस डायनासोर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. ब्रोंटोसौरस जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये और ये पृथ्वी का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट हर्बीवोरस डायनासोर है, ठीक. इसका जो आपका मतलब लेंथ है ये कितना है बताइए, करीबन 25 मीटर ये ब्रोंटोसौरस का लेंथ है, और 45 मेट्रिक टन इसका बॉडी वेट है, 45 मेट्रिक टन, खतरनाक, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है ये सोचिए आप, ठीक. तो यहाँ पर आपको इसका डायग्राम बताना चाहेंगे, बड़ा प्यारा दिखता है ये, ठीक. इस तरह से आपने अगर जुरासिक पार्क देखा होगा तो ये आपको ज़रूर मिला होगा, ठीक. जुरासिक पार्क जो एक बहुत ही गजब का सिनेमा है हॉलीवुड का, ठीक है. ये होता है आपका कौन बताइए, ब्रोंटोसौरस, बहुत बड़ा रहता है, और ये हर्बीवोरस होता है, ठीक. ये डायनासोर है जो क्या हो चुका है, दुनिया से विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक. और एक है जो क्या है, इसको बोलते टाइरानोसौरस. टाइरानोसौरस जो है ये होता है कार्निवोरस, सबसे बिग कार्निवोरस डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लार्जेस्ट फ्लेश ईटिंग डायनासोर. ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लेश ईटिंग डायनासोर, ठीक. और इसका एग्जांपल भी आपको बता देते कि ये भी बड़ा खतरनाक रहता है बाय नेचर, ठीक है. ये इस तरह से रहता है, आप सिनेमा में इसको देखे होंगे, बड़ा खतरनाक, ठीक. ऐसे बना दे रहा है बच्चों आपके लिए, ठीक. ऐसा है, और यहाँ पर इसका काफ़ी खतरनाक दांत रहता है, ठीक. जस्ट हुआ नहीं इस तरह से, मतलब इसका बॉडी नहीं रहता, पर जगह कम है तो मैं इस तरह से बना दिया, बड़ा खतरनाक रहता है, मस्कुलर, ठीक. तो ये जो है इसका नाम टाइरानोसौरस, और ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लेश ईटिंग डायनासोर, मतलब एक कार्निवोरस था. तो ये दो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, और भी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने डिस्कस करा, ठीक. देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ poisonous lizard found in the world
फाउंड इन द वर्ल्ड। तो ये बात याद रखिएगा, खाली दो ही ऐसा चिपकली मिलता है जो क्या होता है, पॉइजनस होता है, दो टाइप का। उसका नाम ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका एक का नाम है गीला मॉन्स्टर, GILA, गीला या जीला मॉन्स्टर, MONSTER, जीला मॉन्स्टर या गीला मॉन्स्टर जो पॉइजनस है। और एक है बीडेड लिजर्ड, BEADED, बीडेड लिजर्ड, ठीक। तो ये बात कभी भूलिएगा मत बच्चों। दूसरा और एक इंटरेस्टिंग लिजर्ड है जिसका नाम है ड्रैको, DRACO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रैको जो है इसको बोलते हैं फ्लाइंग लिजर्ड, FLYING, फ्लाइंग लिजर्ड। और ड्रैको का और एक नाम है, इसका नाम फ्लाइंग ड्रैगन भी बोलते हैं इसको, FLYING, फ्लाइंग ड्रैगन भी बोला जाता है ये ड्रैको को। तो आपको ये मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा कि ये ड्रैको किस तरह का होता है और इसको फ्लाइंग ड्रैगन क्यों बोला जाता है, ठीक। ये है ड्रैको, ठीक, ऐसा है ड्रैको। जस्ट सिंपलीफाइड वे में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, बुरा मत मानिएगा, ठीक। तो देखिए इसके पास क्या रहता है, मतलब विंग लाइक इस तरह का क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें रिब्स भी दिखाई पड़ता है इस तरह का, ठीक। ये होता है क्या बताइए, इसका नाम है ड्रैको, ठीक। ड्रैको जो क्या करता है, जंप करता है, उसके साथ साथ ये क्या होता है, पंख जैसा ऐसे 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 करता है, मतलब हिलाता है। तो ये बहुत दूर तक क्या कर सकता है, ग्लाइडिंग करके जा सकता है। इसको प्रॉपर फ्लाइट तो नहीं बोलेंगे तो, पर इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग। तो इसको बोलेंगे फ्लाइंग लिजर्ड या तो फ्लाइंग ड्रैगन, जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रैको है, ठीक। ये बात भूलिएगा मत। दूसरा और एक इंटरेस्टिंग इसका बात बताएंगे आपको, रेप्टाइल्स का बात बताएंगे, जिसका नाम है वेरानस, VARANUS, वेरानस। वेरानस एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम है, पर इसको अपने नेशनल डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी चैनल देखने का अगर आपको आदत है तो ये आपको जरूर दिखाऊंगा। ये क्या है, लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड, ये जो वेरानस है ये क्या है, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, ठीक। तो वेरानस को लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड बोलता है, और इसको कॉमनली और एक बात बोला जाता है जिसको बोलते हैं मॉनिटर लिजार्ड, MONITOR, मॉनिटर लिजार्ड, ठीक। और इसका वेट करीबन कितना होता है, 250 किलो तक इसका वेट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होता है, ठीक। ये लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड में से सबसे बड़ा होता है। देखिए आप एक बात यहाँ पर आपको और गौर करना चाहेंगे, जो मैंने किंग कोबरा के बारे में बताया, एक्चुअली स्नेक का ये बड़ा एक बड़ा खासियत है, स्नेक जो है इसका एक बहुत बड़ा खासियत है ये, ठीक। इस तरह से एक्चुअली ये एक स्नेक मैं यहाँ पर ड्रॉ किया, मानिए कि ये जो स्नेक है ये क्या है, पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है, राइट। और ये इसका टंग है, हाँ ये इसका स्केल है ऊपर का, ठीक। और इस तरह से इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मानिए कि ये एक पॉइजनस स्नेक है। और पॉइजनस स्नेक का एक खासियत होता है, देखना ये जब अब अगर इसको रियल देखा तो ये क्या करता है, इसका प्रे का खोज में निकलता है, जो जो इसका शिकार है, जैसे कि यहाँ पर इसको देख के आप पता कर सकते कि इसका शिकार कौन है, बच्चों बताइए ये कौन है, बताइए ये चूहा, ठीक, ये हो गया चूहा, राइट, ऐसा है। तो ये चूहा का पार्टिकुलर एक सेंट रहता है, ऑर्डर रहता है, जो क्या होता है इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फैला हुआ रहता है। तो सांप क्या करता है, इस उसका टंग को ऐसे से बार बार बाहर क्या करता है, फैलाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो चूहा का जो ऑर्डर है ये लग जाता है, ठीक, जिससे इसको पता चलता है कि इसका फूड कहाँ है। और यहाँ पर एक खास ऑर्गेन इसके पास रहता है इसका हेड का रूप में, जिसको बोलेंगे ऑर्गेन ऑब्जेक्शन, ऑर्गेन
ऑफ जैकबसन, ऑर्गन ऑफ व्हाट, जैकबसन, जैकब SON, जैकबसन। तो ये जो चूहा का जो ये जो ऑर्डर है, ये जो सेंट है, ये कहाँ पर, यहाँ पर आके लग गया, और ये जब टांग को अंदर खींचा तो ये क्या है, ये जो ऑर्डर मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गन ऑफ जैकबसन में क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये सांप क्या करता है, एनालिसिस करके पता कर सकता है कहाँ से ये पार्टिकुलर सेंट आ रहा है, तो सांप उधर माइग्रेट करके चला जाता है। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है सांप को, उसका जो शिकार है उसको पकड़ने के लिए, ठीक। और देखिए इसके पास और एक खासियत होता है, यहाँ पर इसका वेनम ग्लैंड होता है। क्या होता है बच्चों, ये हेड के नीचे अगर हम काटेंगे इसको, इस ये यहाँ पर क्या होता है, इसका पॉइजन ग्लैंड, POISON, पॉइजन ग्लैंड होता है, जिसके अंदर पॉइजन भरा हुआ रहता है। जैसे कि हमारे पास सलाइवा रहता है, सलाइवा अगर एक बार आपने थूका तो क्या होगा, तुरंत वो अपना मुंह में बन जाता है। तो ऐसा सांप का ही ऐसा है, आपको गलत कॉन्सेप्ट मत रखना कि सांप ने एक बार काट लिया तो उसको पॉइजन तैयार करने में बहुत देर लग जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमने एक बार थूका तो तुरंत दूसरा एक दो मिनट में फिर से हमको हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही ये सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ये जो पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह से इसका पॉइजन तैयार होता है। अब देखिए ये जो पॉइजनस स्नेक है, ये हम पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर मैं इसका मुंह ड्रॉ कर रहा हूँ, खाली इसका जो है मैं माउथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। मानिए कि ये पॉइजनस स्नेक है और ये इसका माउथ है, इसका जस्ट माउथ यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ठीक। तो पॉइजनस स्नेक में होता है क्या, ये जगह पे खतरनाक दो टीथ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर इस तरह का खतरनाक दो टीथ रहता है, जिसको जो एक्चुअली पॉइजनस क्या है, टीथ है, एक्चुअली यही टीथ से पॉइजन जाता है। तो इसको बोलते हैं फैंग, FANG, ये जो पॉइजनस टीथ है इसको क्या बोलते हैं, फैंग बोलते हैं, फैंग, याद रखो बच्चों, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। और यहाँ पर छोटा 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 माइन्यूट क्या रहता है, टीथ रहता है ये जगह पे, ऐसा ऐसा छोटा छोटा टीथ रहता है, ठीक। तो अगर सांप ने, पॉइजनस स्नेक ने आपको काटा तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा बड़ा दो होल दिखेगा और साइड में छोटा 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 ऐसा कट दिखेगा। पर अगर आपने ऐसा दिखा बॉडी के ऊपर ऐसा निशान, बड़ा निशान, तो आप आंख बंद करके मान लेना कि आपको पॉइजनस स्नेक का क्या हुआ, बाइट हुआ, समझ में आया। तो मतलब ओझा वोझा इसके पास मत जाना, मतलब जो गावरान ट्रीटमेंट रहता है, आप सीधा क्या है हॉस्पिटल में चली जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको एंटीवेनम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, एंटीवेनमस जो ये है इंजेक्शन है वो मिल जाएगा, लाइफ सेव हो जाएगा बच्चों। तो ये बात आप गौर से याद रखिएगा, ठीक। और एक बात बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जगह पे मैंने बताया था, ये यहाँ पर रूप में क्या रहता है, पॉइजन ग्लैंड रहता है, ठीक। तो पॉइजन ग्लैंड, ये पॉइजन बनाता है यहाँ पर, तो पॉइजन ग्लैंड का पॉइजन जो है ये जाके ओपन होता है कहाँ पर, ए फैंग पे। तो जब भी ये दबा के इस तरह से कटता है तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर से क्या होता है, ये पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन क्या होता है, यहाँ से ये फैंग से क्या होता है, निकल आता है और इंसान के अंदर चला जाता है ये पॉइजन, ठीक है, जिससे क्या होता है इंसान का मौत हो सकता है। तो ये जो पॉइजन है, ठीक है, ये तीन तरह का हो सकता है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, तीन तरह का ये पॉइजन हो सकता है, ठीक है। वेनम, एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे, वेनम तीन तरह का हो सकता है। एक तो है हीमोटॉक्सिक वेनम, HAEMO, हीमो टॉक्सिक वेनम। हीमोटॉक्सिक वेनम क्या करता है, इट अटैक द ब्लड, एक्चुअली इट अटैक एक्चुअली द RBC, ठीक। तो ये ब्लड को अटैक करता है, RBC को विनष्ट कर देता है, खराब कर देता है, तो क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन के बिना, रेस्पिरेशन करके मतलब बिना सांस लिए हमारा क्या होता है, ये RBC अगर डैमेज कर देता है तो क्या होता है, इसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन या साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मुंह से खून निकल आता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से खून निकल आता है, तो ऐसा होता है। तो जो वेनम, जो टॉक्सिन, जो स्नेक का जो पॉइजन ब्लड को अटैक करता है, उस तरह का वेनम को क्या बोलेंगे, हीमोटॉक्सिक वेनम, ठीक। दूसरा और एक वेनम है जिसका नाम है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, न्यूरोटॉक्सिक वेनम। तो आप नाम से समझ ही लेंगे कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो है ये किसको अटैक करता है, अपना नर्वस सिस्टम को अटैक कर लेता है, किसको अटैक करता है बच्चों,
ये नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, अटैक कर देता है, नर्व को क्या कर देता है, फंक्शन नहीं करने देते। ठीक, जस्ट मैं यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाए तो नर्वस सिस्टम को अटैक कर देते। तो नर्व अगर कोई काम नहीं करता तो क्या है, मतलब ऐसे ही इंसान खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नर्व भी हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, सारा बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो नर्व है, उसको अगर अटैक कर दिया तो हम सांस लिए बिना ही क्या हो जाएगा, हमारा बस तत्काल टिकट कट जाएगा, मतलब खत्म। समझ में आ रहा है ना? दूसरा देखो, और एक वेनम रहता है जिसका नाम मायो मायोटॉक्सिक टॉक्सिक वेनम। तो मायो मतलब होता है मसल, मसल। ये क्या करता है, पार्टिकुलर कोई मसल को अटैक कर देता है। जैसे कि अगर मानो कि रेस्पिरेटरी मसल को अगर अटैक करा तो क्या होगा, डायफ्राम मतलब क्या होगा, अप डाउन कुछ नहीं होगा। तो आप अगर सांस लेने का कोशिश भी करोगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे। तो इसलिए क्या होता है, जब हम सांस नहीं ले पाते तो हम माउथ ओपन करके, मुंह आ करके क्या करते हैं, सांस लेने का कोशिश करते हैं। तो हमारा माउथ के दो साइड में जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है वहां पर प्रेशर रहता है, तो मुंह से देखना कुछ सलाइवा वगैरह निकल आता है। ठीक, स्नेक बाइट होने से। तो ये एक्चुअली ये वेनम का खेल है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि यहाँ पर एक स्नेक है, बड़ा डेडली पॉइजनस स्नेक, हाइड्रोफिस, हाइड्रो PHIS, हाइड्रोफिश को एक्चुअली क्या बोला जाएगा, सी स्नेक, SESCSNAKE, सी स्नेक बोला जाएगा। ठीक, तो सी स्नेक में क्या होता है, सी स्नेक जो है बच्चों, ये डेडली पॉइजनस स्नेक है, समुंदर में पाए जाते हैं। हाँ, तो ये बात भी याद रखिएगा। और एक स्नेक है डेडली पॉइजनस जिसका नाम है कोराल स्नेक, CORAL, कोराल, SNAKE, कोरल स्नेक भी समुद्र में पाए जाते हैं। ये भी क्या होता है, डेडली पॉइजनस होता है। और दो तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको बात करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हार्पेटोलॉजी मतलब क्या होता है, हार्पेटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ रेप्टाइल, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड व्हाट, हर्पेटोलॉजी। उसके बाद और एक टर्म बताना चाहेंगे जिसका नाम सौरोलॉजी, SAURO LOGY, सौरोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्टडी ऑफ लिजार्ड, याद रखिएगा बच्चों। और एक एज बताएंगे रेप्टाइल्स का, कि एज ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड जुरासिक पीरियड। कौन सा पीरियड बोलेंगे एज ऑफ रेप्टाइल को, जुरासिक, जुरासिक, जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड को क्या बोलेंगे, एज ऑफ रेप्टाइल। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट रेप्टिलिया। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड इट मेक्स सेंस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों।